शेर जंगल का राजा होता है। शेर को साहस का प्रतीक माना जाता है। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। तो आज हम आपके लिए शेर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और इससे जुड़ी कुछ रोचक और दिलचस्प तथ्य भी आपको बताएंगे। शेर एक मजबूत मांसाहारी जंगली जानवर है। शेर बिल्ली प्रजाति में बाघों के बाद दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। शेर को उसके विशाल आकार और शिकार की क्षमता के कारण जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन शेर अधिकतर मैदानों और विशाल घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। शेर घास के मैदानों से घिरी गुफाओं या घनी झाड़ियों में रहते हैं। शेर का एक मजबूत शरीर होता है जिसे चार पैर होते हैं और बहुत मजबूत पंजे के साथ एक पूंछ होती है। शेर अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे भूरे पीले और लाल आदि। शेर की गर्दन लंबे बालों से ढकी होती है जिसे अयाल कहा जाता है। शेर अयाल का मुख्य उद्देश्य गर्दन और गले की रक्षा करना है। शेर के अयाल अंधेरा उसकी उम्र को दर्शाता है। शेर का अयाल इस प्रजाति की सबसे पहचानी जाने वाली विशेषता है। नर शेर के गर्दन के बाल कितने गहरे होते हैं वह उतना ही बड़ा होता है। मादा उन्हीं नर शेरों के साथ मिलन करना पसंद करती है जिसके लंबे और गहरे बाल हो। शेर बिल्ली प्रजाति का एकमात्र सदस्य है जिसकी रेशमी गुच्छे वाली पूंछ होती है। शेर के गुच्छे वाली पूंछ तब दिखती है जब वो 5 से 7 महीने का हो जाता है। नर शेर की लंबाई 8 फीट तक हो सकती है और इनका वजन लगभग 500 पाउंड तक होता है, जबकि शेरनी का वजन 300 पाउंड तक होता है। जंगलों में नर शेर 12 से 16 साल जीवित रहते हैं, जबकि मादा 15 से 18 वर्ष जीवित रहती है। पिंजरे में शेर 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। शेर मांसाहारी जानवर है और अन्य जानवरों का शिकार करके मांस खाता है। शेर दिन में सोता है और रात में शिकार करता है। घायल शेर अपने प्राकृतिक शिकार का शिकार करने में असमर्थ होने के कारण अक्सर आदमखोर हो जाते हैं। मादा शेर को शेरनी कहा जाता है और यह अपनी संतानों को शावक के रूप में जन्म देती है। शेरनी 3.5 महीनों तक शावकों को गर्भ में रखने के बाद जन्म देती है। एक शेरनी हर 2 सालों में 1 से 4 शावकों को जन्म देती है। शेर प्रजाति जैसे बाघ, तेंदुआ, चीता के बच्चों को अंग्रेजी में कब कहा जाता है। प्राइड में 10 से 40 शेर रहते हैं। समूह में केवल 1 से 2 वयस्क शेर होता है और बाकी शेरनी और उनके शावक होते हैं। शेर अपने भोजन के साथ साथ अपने समूह की रक्षा के लिए अन्य जानवरों के साथ लड़ते हैं। नर शेर आमतौर पर अपने समूह के साथ रहते हैं और मादा शेर शिकार करती है। नए इलाके पर कब्जा करने के लिए 3 या 4 नर शेरों को समूह में रहना पड़ता है। नर शेर अक्सर निवास के लिए प्रतिद्वंदी नर शेर सहित उनके शावकों को भी मार देते हैं। 8 नर शेरों में से केवल 1 नर शेर ही युवा अवस्था तक जीवित रह पाता है। 8 नर शेरों में से 1 शेर के लिए जीवित रहने का मुख्य कारण उन्हें 2 वर्ष की उम्र में ही अपने झुंड से निकाल देना है। 1 शेर 2 साल की उम्र में ही दहाड़ना शुरू कर सकता है। शेर गर्जन की ध्वनि उत्पन्न करता है जिसे 8 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है। शेर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पशु है। सभ्यताओं के शुरुआत में शेरों को लीडरशिप और गौरव का प्रतीक माना जाता है जिसे हम हर सभ्यता के भित्ति चित्रों में देख सकते हैं। शेर की पूजा हिंदू और कई अन्य संस्कृतियों में की जाती है। अतीत में कई राजा शेरों को शाही पिंजरों में रखते थे जो कि उनकी ताकत का प्रतीक होता था। राजा जब शिकार करने जाता था तो वह शेर को मारकर खुद की शक्ति का प्रदर्शन करता था। हमेशा से ही शेर को ताकत का पर्याय माना गया है। दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया में जैसे जैसे जंगल खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे जंगली जानवर विलुप्त हो रहे हैं। इनमें से एक प्रजाति शेर की भी है। शेर की केवल 2 प्रजातियां अफ्रीकन और एशियाई ही केवल शेष बची है। अफ्रीकन शेरों की लगभग 6 उपप्रजातियां हैं। पहले शेर यूरेशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन आज शेर केवल उप सहारा अफ्रीका और भारतीय राज्य गुजरात में पाया जाता है। शिकारी खाल हड्डियों के लिए शेरों को मारते हैं। इसके अंगों की तस्करी की जाती है। कुछ लोग इसको मारकर इसका इस्तेमाल शोपीस के तौर पर करते हैं।
लोगों के मनोरंजन के लिए शेरों को पकड़कर चिड़ियाघर में रखा जाता है। शेरों के अत्यधिक शिकार ने दुनिया भर में उनकी आबादी को कम कर दिया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन रहा है। शेर वर्तमान में एक कमजोर जानवर है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में है। शेर की घटती आबादी एक चिंता का विषय है, हमें इसके संरक्षण हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अतः उन मनुष्य को जागरूक करने की जरूरत है जो कि इन जीवों का शिकार करते हैं, क्योंकि इन जीवों का जीवन बहुत संकट और कठिनाइयों में गुजर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब इन जैसे कुछ जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी एवं हम अपने बच्चों को केवल पुस्तकों में इन जीवों के चित्र दिखा सकेंगे। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।